प्रेजेंट। इसके पहले हम लोग कूलाम देखे थे, कैलकुलेट करना कि कितना कूलाम जो है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे क्यू बराबर एम एफ फार्मूला पर, उसको कुछ कैलकुलेट भी किए थे। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस और हेरिडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आज का टॉपिक यही रहेगा। तो पहले हम लोग एक देख ले, पहला हम लोग का इलेक्ट्रोलिसिस रहेगा। क्वेश्चन इसका रहेगा, क्वेश्चन हो गया डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस, कुछ लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। यह क्या है पहले समझ लें कि मान लेते हैं कि कोई भी साल्ट है, उसके एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो उसमें कुछ रिएक्शन होता है। रिएक्शन के दौरान जो है एनोड पर और कैथोड पर कुछ सब्सटेंसेस जो है कलेक्ट हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। यानी इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर दें कि द प्रोसेस इन विच सेम इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, देन ऑल द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस ईच कॉल्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। यानी ऐसे हम लोग लिख दें आंसर, द प्रोसेस टेकिंग प्लेस व्हेन एंड इलेक्ट्रिक करंट passes through the aqueous solution of molten state of an electrolyte is called electrolysis। एग्जाम्पल के लिए दे दिया जाए कि लेट अस कंसिडर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl। यहाँ एक्वस भी ले सकते हैं लेकिन एक्वस में थोड़ा झंझट हो जाएगा, कई प्रोडक्ट मिलने लगेगा, इसलिए आसानी के लिए यह बनाया गया है। ऐसे लिख दिए NaCl molten, molten का हिंदी होता है द्रवित पिघला हुआ, molten। इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाए। तो यह पहले टूट जाएगा Na प्लस और यहाँ हो जाएगा Cl माइनस। यहाँ पर यहाँ एक्वस रहता तो एक क्यू लिखते हैं, यहाँ भी एक क्यू लिखते हैं। अब एट लिखेंगे एट कैथोड पर यह प्लस जो है माइनस पर जाता है, माइनस माने कैथोड। Na जो है इस तरह से कैथोड पर गया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यह हो गया NaS। इसी तरह से यह एट एनोड मतलब प्लस वाला, उस पर चला जाएगा माइनस वाला। इस तरह से Cl माइनस वहां गया, एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया, लॉस कर दिया, इस तरह से हो गया। लेकिन Cl जो है गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, यह Cl2 के रूप में रहता है, इसलिए इसको ऐसे बना दिया।
यह हमारा इंटरफेस हो गया। इसका डायग्राम बनाना हो तो इस तरह से हम बनाकर दिखा सकते हैं। इस तरह से कोई बिखर है, इसमें एनएससीएल ले लिए, मोल्टेन एनएससीएल, यहाँ पर दो जो है इस तरह से इलेक्ट्रोड जो है खड़ा कर दिए हैं इस तरह से। यह जो प्लस से जुड़े हैं इसका नाम हो गया एनोड, यह माइनस से जो जुड़े हैं इसका नाम हो गया कैथोड। इसमें अगर करंट पास किया है बैटरी है या इस तरह से, यह तो इसके अंदर NaCl है, NaCl मोल्टेन है, मोल्टेन इसको फ्यूज भी कुछ लोग लिख देते हैं। तो Na प्लस, इसमें बहुत सारे आयंस हो गए, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस इसमें होंगे, तो यह बहुत सारे इससे कैटायन और एनायन हो गए, Na प्लस और Cl माइनस हो गए। तो प्लस वाला जो है माइनस पर, माइनस माने कैथोड पर इस तरह से मूव करेगा, जितना प्लस वाला होगा इस तरह से आकर इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। यानी Na जो है यहाँ पर, Na प्लस जो है Na हो गया था यहाँ, इस पर डिपॉजिट हो गया। इसी तरह से यह Cl भागेगा इधर, Cl बाहर भागेगा एनोड के तरफ इस तरह से, इस पर आएगा डिपॉजिट होगा, जबकि यह Cl2 गैस है, बाद में यह उड़ जाएगा ये ऊपर जाता। तो यह हम लोग का हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो है हम लोग अब देखेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यह हमारा समाप्त हुआ, दूसरा टर्म्स है व्हाट वी मीन बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा देखेंगे। अब दूसरा हम देखेंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस कुछ लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। यहां देख लेंगे इसे, यहां पे जो हम लिख दे रहा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस इसके बारे में एक दो लाइन कुछ जान लो। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो है कैथोड पर और एनोड पर कुछ मास डिपॉजिट हुए थे, इसी विषय में यह फैराडे ने नियम बनाया। तो यहाँ दो शब्द हुआ एनोड और कैथोड, इस दो शब्दों के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के बदला एक शब्द कहना हो तो इसको हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोड कह देते हैं। तो यह नियम यह हो गया कि इलेक्ट्रोलिसिस के कारण या फलस्वरूप किसी इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड माने एनोड या कैथोड पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा के संबंध में फैराडे दो नियम बनाए। इन्हीं दो नियमों को हम लोग कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसे हम लोग कह सकते हैं फैराडे एस्टैब्लिश्ड टू लॉज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, मास डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मीन्स एनोड ऑन कैथोड, इच कॉल या आर कॉल लिख देंगे फैराडे लॉ, ऐसे लिखेंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे
established during the electrolysis or leaching plus or burning, the mass deposited या collected लिख सकते हैं, deposited on an electrode, electrode का मतलब हो जाएगा यहाँ एनोड या कैथोड, एनोड और कैथोड, फैराडे इस्टैब्लिश्ड टू लॉज, दो नियमों का प्रतिपादन किया, टू लॉज दीज आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड फैराडे लॉ इलेक्ट्रोलिसिस, इसी को हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। दिस में गिवन है, दिस में गिवन है, गिवन है, ऐसे लिख देंगे, एक में एक बना देंगे और यहां लिख देंगे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सुनेंगे थोड़ा देर पहले हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में देखे थे कि जो मास डिपोजिट हुआ था एनोड पर या कैथोड पर, उसी से संबंधित यह पहला नियम बताया कि किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो है कलेक्टेड मास जो होता है उसमें जो करंट भेजेंगे उसका इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही जो है फैराडे का फर्स्ट लॉ। फिर एक बार सुनेंगे, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस द मास डिपोजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड मींस एनोड और कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज पासेस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यही हमारा जो है फैराडे फर्स्ट और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। ऐसे लिख देंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस द मास डिपोजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड मीन्स एनोड या कैथोड लिख सकते हैं, एनोड और कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज पासेस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ या मोल्टन स्टेट ऑफ भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह से मान लिया जाए लेट क्यू इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इन कुलाम। दूसरा मान लिया जाए टाइम बराबर एटी हो जाए, टाइम हो गया इन सेकेंड मान लीजिएगा, इन सेकेंड एस लिखा है
यह I इक्वल टू एम करंट हो गया एम्पियर, I इक्वल टू एम्पियर करंट करंट, यह M इक्वल टू मास डिपोजिटेड डिपोजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड, किसी पर एन इलेक्ट्रोड, दोनों में से किसी पर। तो यह नियम अभी हम लोग देखे थे, यह कहा था अकॉर्डिंग टू दिया फोर, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ फैराडे, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इतना बड़ा सेंटेंस लगे तो खाली लिख देंगे फर्स्ट लॉ, हो गया। इस तरह से हम लोग कहे थे कि द मास डिपोजिटेड, उसमें बोले थे कि द मास डिपोजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक चार्ज माने क्यू। इस तरह से यानी हम लोग लिख देंगे एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्यू। अब हम लोग जानते हैं दसवां में पढ़े हुए थे कि क्यू इक्वल टू, इस तरह से टेंथ में ओम का नियम जो पढ़ रहे थे तो वहां मिला था, ओम के नियम से पहले जो है आई का डिफिनेशन मिला था, आई बराबर इसे लिखा गया था आई बराबर क्यू बाई टी, पर सेकेंड जो पास करता है चार्ज उसी को एम्पियर करते हैं, यानी हम लोग का क्यू बराबर हो गया आई इंटू टी। आई का मतलब एम्पियर और यह हो गया करंट और टी का मतलब टाइम, यानी यह हो गया एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी, या एम इक्वल टू जे इंटू आई इंटू टी हो गया। जहां पर क्या है कि क्यू को लिख देंगे कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, हिंदी में इसको विद्युत रासायनिक संतुलन कहते हैं। ऐसे यहां पर लिख देंगे कि फेयर जे इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड, व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। यहाँ हम वेट लिखे हैं, आजकल जो है मास लिखा जा रहा है, वेट या मास लिख सकते हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशन में सीबीएसई में इसका डिफिनेशन पूछता है, यह जेड का डिफिनेशन क्या है, तो जेड के डिफिनेशन के लिए फॉर डिफिनेशन थोड़ा सा हम ऊपर ले चलते हैं, इसको मिटा है। फॉर डिफिनेशन, और डिफिनेशन डिफिनेशन के लिए और डिफिनेशन ऑफ जेट मान लिए लेट। अभी थोड़ी देर पहले यहां देखे थे कि एम बराबर जेट आई टी मिला था, आई बराबर मान लिया जाए वन एम्पियर मान लिया जाए, ए शॉर्ट में लीजिए एम्पियर, टी बराबर मान लीजिए वन सेकेंड एस, देन अभी हो गया हम लोग का एम इक्वल टू जेड इंटू आई आया था, आई का वैल्यू वन, टी का मान भी हम वन मान लिए इस तरह से, तो यह हम लोग का हो गया एम बराबर जेड, यानी एम बराबर जेड हो गया, यानी जेड भी क्या है, एम है, एम मतलब मास है। कैसा मास है, एक एम्पियर का करंट जो है एक सेकेंड तक भेजे है सॉल्यूशन में, तो मास डिपोजिट हो जाए इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड पर एनोड या कैथोड पर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे,
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक संतुल्यांक, शॉर्ट में बी रास लिखते हैं, ऐसे लिख दिया जाए। डिफिनेशन अपने से बनाया जाए, रटना नहीं है, कम हल्का से बनाया जाए। द मास डिपोजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड, या एन इलेक्ट्रोड लिख दीजिए, एन इलेक्ट्रोड फिन, फिन ए करंट ऑफ, फिन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर पासेस थ्रू, या पास थ्रू भी लिख सकते हैं, पासेस थ्रू द एक्वा सोल्यूशन और मैं मोल्टेन स्टेट भी लिख सकते हैं, और मोल्टेन स्टेट स्टेट और वन सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रो केमिकल वेट हम लिख दे रहे हैं, वेट आपके बुक में मास भी लिखा हो सकता है क्या? यही हम लोग का डिफिनेशन हो गया कि किसी विद्युत माने किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक पास कर दिया जाए, और जो भी मास डिपोजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड मीन्स एनोड या कैथोड पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। एक एग्जाम्पल याद हो सके तो लिख देंगे, नहीं याद हो तो छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए जी सिल्वर में, सिल्वर का यह जेड जो होता है 0.00011118 ग्राम होता है, इसका मतलब कि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक सिल्वर का कोई साल मान लेते हैं NO3 में पास करिएगा, इतना ग्राम डिपॉजिट होगा। यह हमारा फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ देखेंगे। दूसरा जो है इसमें कहे थे फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यह क्या है कि अगर अनेक जो है इलेक्ट्रोलाइट्स है और उसमें सेम करंट सेम टाइम के लिए पास कर दिया जाए, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के इलेक्ट्रोड पर मास जो डिपोजिट होगा उनके केमिकल इक्विवेलेंट का, केमिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो पहले हम इक्विवेलेंट में थे, 11 में पहले पढ़े हुए हैं, जिसको ई से डिनोट करते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर एक बार सुनेंगे, सब हिंदी में सुनेंगे। और यदि अनेक विद्युत विच्छेदियों के घोल से, इलेक्ट्रोलाइट के घोल से एक ही करंट एक ही टाइम के लिए पास किया जाए, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित मात्राएं जो होगी उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के सीधे समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे हम लोग लिखते हैं फेन, या इफ फेन एन इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू, चाहे पासेस थ्रू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर सेम टाइम देन द मासेज डिपोजिटेड ऑन ऑन इलेक्ट्रो
डिफरेंट वाले इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट आपके बुक में मास होगा। ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि अनेक जो है सॉल्यूशन लिए हैं, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कई चीजों का घोल लिए हैं और उसमें करंट भेज रहा है, तो इलेक्ट्रोड पर भी डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर जो मास डिपोजिट हुआ है N1 N2 को मान लिया जाए, यह उनका इक्विवेलेंट वेट जो है E1 E2 मान लिया जाए, ऐसे लिख दे, लेट M1 M2 M3 डॉट डॉट और मान सकते हैं, आर मासेज डिपोजिटेड ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स एंड देयर इक्विवेलेंट मासेज आर E1 E2 E3 डॉट डॉट इस तरह से। देयरफोर फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूरा लिखना चाहिए तो लिख देंगे फ्रॉम हैरेडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ शॉर्ट कर रहा है, जगह नीचे कम है, ऐसे लिख देंगे M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया E1 या M1 बराबर हो गया K इंटू E1 जहाँ K जो है कॉन्स्टेंट है, पेयर K इज ए कॉन्स्टेंट। सिमिलरली या ऐसे कर दिया जाए M1 बाई E1 इक्वल टू K। सिमिलरली M2 by E2 equal to K, M3 by E3 equal to K। यह सब K के बराबर आ रहा है तो इसे हम रिजल्ट लास्ट में पहुंचा देंगे। Therefore, M1 by E1 equal to M2 by E2 इक्वल टू M3 बाई यह E3। यह हमारा सेकेंड लॉ का एक रिजल्ट हो गया। यह दूसरा, यह हमारा सेकेंड लॉ समाप्त होता है। इसमें थोड़ा सा एक चीज बच गया, अभी बता देते हैं, अब खत्म हो गया। इस पर एक क्वेश्चन इससे आता है, क्वेश्चन है establish the relation between electrochemical equivalent weight and chemical equivalent weight ये इस तरह से ऐसे हेडलाइन डाल लेंगे। रिलेशन बिटवीन शॉर्ट में करना हो तो ऐसे बता देंगे ZNE, इसके विषय में एक रिलेशन निकाल रहे हैं। हम लिख देंगे फ्रॉम फ्रॉम
हेरिटेज, हेरिटेज। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। वी नो दैट ये थोड़े देर पहले मिला था, M1 by E1 equal to M2 by E2 मिला हुआ था। हम फर्स्ट लॉ में इसे देखते थे, यह है M बराबर J into I into T मिला था ऐसे। तो हम ये M1 के जगह लिख सकते हैं Z1 into I into T by E1। इसके जगह लिख सकते हैं Z2 I into T। इसमें दोनों में T समान इसलिए रखा है, सेम करंट सेम टाइम को दूसरा टाइम में पास किए थे, इसीलिए वर्ष दोनों साइड में समान है। या इससे कट गया या इससे कट गया। Z1 by E1 equal to Z2 by E2 आ गया, Z2 by E2 आ गया। ऐसे दिया तो हम लोग का हो गया Z वैरी है E, that is इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विथ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विथ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू देयर टू इट्स केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। हिंदी में को बढ़िया इसका कहा जाता है जी रास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रास, रास माने रासायनिक समतुल्य। हिंदी में कहा जाता है विद्युत रासायनिक समतुल्य, रासायनिक समतुल्य का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही आज का समाप्त होता है, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।